हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बारे में कि इसकी नीड होती क्यों और किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए दोस्तों, होता ये है कि जैसे अगर आपका नॉर्मल छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका घर हो गया, तो इन प्रोजेक्ट्स को ट्रैक करना बहुत ईजी होता है। अगर मान लिया कि आपको पता है कि ये करवाना, इतना काम रह चुका, ऐसे ऐसे इसको जो है प्रोग्राम करना है और इतने टाइम तक ये प्रोजेक्ट जो हो जाएगा। लेकिन जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका रोड का प्रोजेक्ट हो गया, आपका मेट्रो का हो गया, डैम का हो गया, इस तरीके के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मान लिया बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, आपके पास जो है कोई बंदा आता है और वो बोलता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कितना परसेंट हो रखा है, तो इस केस में क्या है कि आपको जो है वो बताना मुश्किल हो जाएगा अगर आपने उसको ठीक तरीके से ट्रैक नहीं करा हुआ है, ठीक तरीके से मैनेज नहीं करा हुआ है। अब इसकी इंपॉर्टेंस देखिए क्या, मैं आपको छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि मैंने एक रोड का प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको पता है कि रोड का जो प्रोजेक्ट है वो आपके पास जो है वो 6 महीने का है, 6 महीने में आपको जो कंप्लीट करके देनी है रोड, और 6 महीने के बाद जब रोड को कंप्लीट करके देंगे तो उसमें जो एक दिन का जो टोल का जो टैक्स आएगा वो मान के चलिए कि 10 लाख रुपीज़ आना है, तो और वो जो प्रोजेक्ट है वो 6 महीने की जगह 1 साल हो गया। अब 1 साल हो गया यानी कि 6 महीने लेट हो गया, अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो 18 करोड़ रुपीज़ का जो टोल का जो टैक्स है उसका नुकसान हो गया, और जो लेट होने से जो नुकसान होगा वो तो होगा ही होगा। तो इस तरीके से इतनी इंपॉर्टेंस है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की, क्योंकि देखिए कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पे पूरा होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो छोटा प्रोजेक्ट हो और चाहे वो बड़ा प्रोजेक्ट हो। और लेकिन बात करें कि छोटे प्रोजेक्ट्स की, तो छोटे प्रोजेक्ट्स में जो है वो इतना ट्रैक करना जो है मतलब इतना टिपिकल नहीं होता, उसमें नॉर्मली आप जो आप घर बनवाते हैं उसमें आप खुद ही जो है वो पता लगा सकते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें जो है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंस है। फिर इसी में ही कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में और जो चीज़ें कवर अप आती हैं, जैसे कि मान लिया जो लेबर वहाँ पर काम करती है उसके जो भी सेफ्टी रूल्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखना प्लस उनके जो भी गाइडलाइंस उसको प्रॉपर फॉलो करवाते हुए काम करवाना, तो ये भी जो पार्ट है वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। हर प्रोजेक्ट की लोकेशन जो होती है वो डिफरेंस होती है, वहाँ पे काम करने वाले डिफरेंस होते हैं, वहाँ पे जो क्वालिटी जो यूज़ हो रही है वो डिफरेंस होती है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैटर करती हैं। फिर प्लस इसी में ही अगर आपकी जो प्लानिंग है वो अगर अच्छी प्लानिंग होगी तो आपका जो एग्जीक्यूशन है वो भी बहुत ही स्मूथली तरीके से होगा। तो बेसिकली ये जो सारी चीज़ें हैं ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर आती हैं, और इसका भी जो है बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो इसमें आप जा सकते हैं। और बेसिकली मैंने आपको इसका एक ओवरव्यू दे दिया कि जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में जो भी बंदा होता है उसकी जो है ये सारे रोल्स होते हैं और उसे इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये जो वीडियो है छोटी सी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के ऊपर और इसके एक ओवरव्यू के ऊपर आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हैं, और आपको कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।